महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल को राज्य शासन में विलीनीकरण करने की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में एसटी कर्मियों का लंबे समय से विरोध चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन को उनकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन देश के न्याय व्यवस्था पर उनको पूरा विश्वास है। साथ ही उनके लिए लड़ने वाले वकील एड गुणरत्न सदावर्ते पर भी उनको विश्वास है कि वो उनको न्याय दिला के रहेंगे। उन्होंने कहा कि एसटी के करीब 80 से 85 लोगों ने जो बलिदान दिया है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। जब तक विलीनीकरण नहीं होगा तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। प्रशासन ने सादी श्रद्धांजलि नहीं बहाई। प्रशासन खाली ये कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करते करते कितने लोग कम होते हैं उनका इंतजार कर रही है, वो देख रही है। इसीलिए ये सब कर्मचारी इकट्ठा होके एक वज्रमुट यहाँ तैयार हो गई है। 95,000 कर्मचारी एकत्र होके एक ही विलीनीकरण एक ही मुद्दे पर ठाम है। हम विलीनीकरण मांगते हैं, सरकार हमें सेवा समाप्ति देते हैं। हम विलीनीकरण मांगते हैं, हमें निलंबन देते हैं। हम विलीनीकरण मांगते हैं तो ये बढ़तर भी देते हैं। ऐसा है मैडम, जो भी ये कर्मचारी जा रहे हैं आपका कहना है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन सिर्फ ये जो यूनियन वाले हैं जिसकी यूनियन से अभी कुछ लेना देना नहीं, एक भी कर्मचारी उस यूनियन के पीछे नहीं है। सब यूनियन को छोड़ के हम एक जगह यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के हमारे लोगों को फुसला कर डरा कर बहला कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनमें अगर कोई कम कुवत वाला हो या किसको कमजोर इंसान हो जिसको कार्रवाई से डर लगता हो वही इंसान वहां पर जा रहा है। बाकी के ये लोग प्राइवेट ड्राइवर लाके गाड़ी पर बिठा रहे हैं और प्राइवेट गाड़ी लाने से उनको जो नियम है एसटी का वो नियम के खिलाफ है। वो लोग 48 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, उसी के बाद इस लाइन पर उनको भेजना पड़ता है।